आजकल आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, और दूसरा है जिनको उम्र तो हो गई है 20 22 साल 25 साल फिर चश्मा लग गया है। ये दोनों कारण अलग अलग हैं। तो ये विटामिंस अगर माँ के पास नहीं है और माँ की गर्भवती हालत में उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा थी या उन्होंने दवाइयाँ ली, वो बच्चे को पास हो जाती हैं तो बच्चा पैदा ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है और उनको बड़ी जल्दी चश्मा लग जाता है। दो चीज़ें हैं, एक जिसकी वजह से हो रहा है, एक चीज़ जो उसको बढ़ावा दे रही है। अगर लिवर दिक्कत में है तो आप आई साइट की प्रॉब्लम देखेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी पे। नमस्कार विभोर जी, नमस्कार। बहुत लोगों को चश्मा लगा हुआ देखते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे कि चश्मे लगने की वजह क्या होती है। विभोर जी, बात ऐसी है, दो तरीके से चश्मा लगता है लोगों को। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो कि बचपन में ही माँ से मिल रही हैं, आजकल आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, और दूसरा है जिनको उम्र तो हो गई है 20 22 साल 25 साल फिर चश्मा लग गया है। ये दोनों कारण अलग अलग हैं, तो हम दोनों की बात करेंगे। पहला है गर्भवती माँ खा क्या रही है, कितना खा रही है और कैसा खा रही है। अगर उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, स्पेशली विटामिन ए, विटामिन डी है ना, विटामिन ई, और जिसको हम बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स, उन चीज़ों की डेफिशिएंसी है, तो उस मदर की जो हेल्थ कंडीशन थी वो बच्चे में चली गई। उस मदर के जो विटामिन डेफिशिएंसी थी वो बच्चे में चली गई, तभी आजकल 5-5, 10-10 साल के बच्चों को चश्मा लग जाता है, और वो टोटली और टोटली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, आजकल जब बच्चे पैदा होते हैं उनको एक जमांदरू, जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस, पीलिया होता है, जो कि लिवर की कंडीशन है, और लिवर रिस्पॉन्सिबल है विटामिन ए डी को तोड़ने का, और यही आंखों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी विटामिन है। सबसे पहला विटामिन ए, और फिर विटामिन डी, और फिर ई, वेनफोटामिन जो कि बी कॉम्प्लेक्स है, B1 है। तो ये विटामिन्स अगर माँ के पास नहीं है और माँ की गर्भवती हालत में उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा थी या उन्होंने दवाइयाँ ली, वो बच्चे को पास हो जाती हैं, तो बच्चा पैदा ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है और उनको बड़ी जल्दी चश्मा लग जाता है। और दूसरे नंबर पे जो आजकल लोगों को चश्मा लगने लग गया है वो है स्क्रीन या फिर टू नज़दीक देखने की आदत। हमारी बॉडी में दो मसल होते हैं किसी चीज़ को भी, चाहे मैं बाजू ले लूँ, एक खोलने वाला मसल है, एक इसको कॉन्टैक्ट करने वाला मसल है, आपको सीखना है ये, समझना है। ऐसे ही आँख में जब हम दूर देखते हैं लेंस पिचक जाता है, खुल जाता है, और जब हम नज़दीक देखते हैं लेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये एक तरीका है। अब 99% लोग फ़ोन को ऐसे देख रहे हैं, आप देखिए लेंस हमेशा एक ही पोजीशन पे, मसल्स हैं दो, एक मसल को रिलैक्स करके उसको लेंस को खुला करता है, एक उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हम ज़्यादातर नज़दीक देखते हैं, आजकल लोग बाहर लंबी सैर नहीं करते, उनके कमरे भी छोटे छोटे हैं, जब ये लेंस एट्रफी में आ जाता है, क्योंकि ये एक ही तरीके से हमेशा रह रहा है, एट्रफी होती है एक मसल ने अपनी इलास्टिसिटी, ताकत खो देना, तो जो दूर देखने वाला मसल है जिसने उस लेंस को ऐसे करना था, खोलना था, वो काम ही नहीं कर रहा। अब क्या हुआ, वो लेंस परमानेंट फिट हो गया इस चीज़ पे। तो उन लोगों को, क्योंकि उनका लेंस ना अब दूर के फोकस नहीं कर पा रहा है, और उनको अब जिसको हम बोलते हैं फार साइट प्रॉब्लम आ गई है। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, मगर इसको बनने में बहुत देर लगती है। जो लोग दूर नहीं देखते, खुले में नहीं जाते, किसी दूर की चीज़ पे केंद्रित नहीं करते अपना ध्यान, उनका ये लेंस एक ही पोजीशन में सेट हो जाता है, और जो दूसरा लेंस जिसको खुला करने वाले जो मसल है वो थक जाते हैं, या कहिए वो बिना एक्सरसाइज के वियर ऑफ ख़त्म हो जाते हैं। और इसका इलाज बहुत सिंपल होगा, इसकी एक एक्सरसाइज होगी। आजकल छोटे बच्चों को ही चश्मा लग जाता है, तो जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उनको पता नहीं चल पाता, या वो बता नहीं पाते कि उनको चश्मा लग गया, तो वो घर वाले कैसे पता करें कि उन्हें चश्मा लग गया है? अगर आपका बच्चा हेडेक्स की कंप्लेन करे, आई एक की कंप्लेन करे, या फिर आईज रगड़ता हो काफ़ी, ये कुछ साइन हैं जहाँ से आपको पता लग सकता है कि उसको चश्मा लग सकता है। और कुछ चीज़ें हैं, आप खुद टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको शक है आप बच्चे का छोटा सा आई टेस्ट कर सकते हैं, क्या वो चीज़ आप देख सकते हैं।
है ना, अगर आप ऐनक लगाते हैं, लगा के देखिए और देखिए क्या बच्चा देख पा रहा है। 99% ये हेडेक से शुरू होता है, धुंधला दिखने से शुरू होता है, तो बच्चे के साथ एक वार्तालाप, एक कम्युनिकेशन से पीएक पता किया जा सकता है। खान पान में किन वजहों से या किस चीज की वजह से होता है कि जिसकी कमी रह जाती है, जिस वजह से हमारे को आईसाइट की प्रॉब्लम आती है? जी, दो चीजें हैं, एक जिसकी वजह से हो रहा है, एक चीज जो उसको बढ़ावा दे रही है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए कम है सबसे पहले, दूसरी चीज आपकी बॉडी में B1 जिसको थायामिन बोलते हैं वो कम है उस वजह से, तीसरा कारण होगा अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो विटामिन ए और B1 को मारे, तो दोनों एंगल लेंगे। हम जानते हैं बचपन से गाजर को बोला जाता है गाजर खानी चाहिए, क्यों? गाजर में विटामिन ए है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसमें विटामिन ए है। विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसका मतलब वो तेल में मिक्स होने वाला है। B1 थायामिन दो तरीके का आता है, एक पानी में मिक्स होने वाला जिसको थायामिन बोलते हैं, और एक तेल में मिक्स होने वाला जो बेनफोर्टमिन नाम से जाना जाता है। अगर आप बेनफोर्टमिन ले रहे हैं या आपके खाने में है B1 फैट सॉल्युबल, आपकी जो आंखों की गुच्छा है, बेसिकली नर्व्स का गुच्छा है आंख, तो वो ठीक रहता है। अब इन चीज़ों को खराब क्या करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने में विटामिन ए और बेनफोर्टमिन होता है। इन चीज़ों को खराब क्या करता है? सोडा, सबसे पहले चीनी से भरपूर जो सोडा लोग पीते हैं, 14 चम्मच चीनी का 1 लीटर में सोडा माँ होती हैं, वो चीनी आपके लिवर को डैमेज करके फैटी कर देती है या खराब करती है। उससे होता क्या है, आपका विटामिन ए डी ई तोड़ने की क्षमता खराब हो जाती है। आपकी बॉडी में आपने खाया विटामिन ए, उसको तोड़ता कौन है? लिवर। लिवर बाइल बनाता है, BILE, पीले रंग का लिक्विड, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन को तोड़ता है। तो आप समझिए आपकी खुराक आपके अच्छे विटामिन को हजम ही नहीं होने दे रही। तो पहली चीज होगी सोडा। दूसरा ये नूडल्स, दो तीन मिनट वाली बनने वाली नूडल्स, जिसमें क्या होता है, उसमें एक पैकेट होता है जिसमें अजीनोमोटो MSG मोनोसोडियम ग्लूकोनेट होता है, वो बहुत हानिकारक है लिवर के लिए और ब्लड शुगर के लिए। तीसरी चीज़ है मैदा। जो लोग फ्राइड मैदा या मैदे के प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनके लिवर पे, जिसके बोलते हैं हिंदी बोलते हैं चर्बी चढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं फैटी लिवर हो जाता है। अब रूट कॉज समझें, आँखों को सप्लाई, उसका जैसे बोलेंगे फ्यूल की सप्लाई, विटामिन ए डी बी वन जो फैट सॉल्युबल है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? बॉडी को ये चीज़ें हजम करने में मदद कौन कर रहा है? लिवर। अगर लिवर दिक्कत में है तो आप आई साइट्स की प्रॉब्लम देखेंगे। आपने देखा होगा कई लोग नज़दीक फ़ोन पकड़ के नहीं ऐसे फ़ोन देखते हैं, तो उनको दिखता है नज़दीक नहीं दिखता, लिवर की दिक्कत है, क्योंकि विटामिन ए डी ई नहीं टूट रहा। तो पहली चीज़ आपके खाने में सलाद होना चाहिए अच्छा भर के, और उसके ऊपर कुछ ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, या अगर आपको ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल मिले उसके ऊपर वो होना चाहिए, फैट सॉल्युबल है। दूसरी चीज़ खराब जो कर रही हैं चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली मैदा, और ये इंस्टेंट फूड्स जिनको मैं बोलूँगा पैक्ड फूड्स, अगर आप इनसे दूर रहेंगे बच्चों में ये दिक्कतें नहीं आएंगी। जी, घर पर रहकर आंखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं हम? बहुत सिंपल सा तरीका है विभोर जी, आपने छत पे जाना है, आपने जो दूर से दूर चीज़ देख सकते हैं आप, अगर कोई मोबाइल टावर दिख रहा है, कोई बहुत सारी बड़ी लंबी बिल्डिंग दिख रही है, आपने उस पर एकांतरित, जैसे हम बोलते हैं सेंटर करना है अपने उसको, और उस पर फोकस रखना है कम से कम 30 सेकंड। फिर उसके बाद कोई थोड़ी नज़दीक चीज़, 4-5 बिल्डिंग दूर कोई चीज़ लगी हुई है उस पर, फिर कोई बहुत नज़दीक चीज़ उस पर, फिर दोबारा बहुत दूर, और दूर वाली पे ज़्यादा टाइम देना है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है ना, जो अंदर रहते हैं, जिनका सारा दिन फ़ोन पे, कंप्यूटर पे या कमरे में निकलता है, उनको ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर खुले में जाके बहुत दूर की चीज़ को बहुत ध्यान से, डिटेल से देखना है, क्योंकि आपका लेंस साथ के साथ चेंज करेगा और आपका ऑपोजिट मसल एक्सरसाइज करेगा और उसमें दोबारा जान आ जाएगी, वो मरा नहीं है, वो एट्रफी में चला गया है क्योंकि उसकी एक्सरसाइज नहीं हुई। हमने देखा है या आमतौर देखने को मिल जाता है कि अगर हम ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमारी आंखें दुखने लग जाती हैं, तब क्या करा जाए? उस वक्त आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप, अगर आपको दर्द होना शुरू हो गया है, आप खीरा काटें और 2-3 मिनट के लिए 1-1 स्लाइस खीरा की अपनी आंखों पर रख लीजिए। दूसरी चीज़, क्योंकि आपको नहीं पता स्क्रीन में एक ब्लू रेडिएशन होती है, ब्लू रेडिएशन आपको तंग कर सकती है काफ़ी ज़्यादा, उस केस में आप बाहर जाएंगे, ज़्यादा धूप ना हो तो कोशिश करें छाए में, और आप फिर वही कोई चीज़ दूर देखेंगे जो कि आँखों के लिए रिलैक्सिंग हो।
अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो नहीं, क्योंकि लाइट नहीं तो तंग किया है। फिर आप कई लोग हाथ गर्म करके उनको मसाज कर सकते हैं, मगर वो इतना कारगर नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप पानी जो ड्रॉप्स ड्रॉपर में पानी डाल के उसको भी अपने आँखों में डाल सकते हैं, वो भी हेल्प कर सकता है। कई लोगों को ड्राई आइज होती हैं, कईयों को जस्ट पेन हो जाती है, मगर बेसिकली अगर एक रूल था, पहले मैं प्रोग्रामर रहा हूँ, हमारा रूल था कि 3 घंटे के बाद कम से कम 45 मिनट्स की ब्रेक चाहिए होती है आइज को स्क्रीन से, मगर आजकल लोग 9-9, 10-10 घंटे आधा घंटा ब्रेक लेके कर लेते हैं, वो अच्छा नहीं है। तो आपका रूल ये होना चाहिए कि 1 घंटे के बाद अगर 10 मिनट आप स्क्रीन से आँखें ऑफ कर लें और आँखों के लिए चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे उनको बंद ही कर लें, कोई रिलैक्सिंग हो उनके लिए, बेस्ट होगा दूर देखें, क्योंकि नज़दीक देख देख के लाइट देख देख के आँखों पे प्रेशर है। लाइट कैसे प्रभाव डालती है हमारी आँखों पे? देखिए, लाइट में है फोटॉन्स, फोटॉन्स हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। इसके कई तरीके के प्रभाव हैं। जो ब्लू लाइट है वो कई लोगों को डिप्रेशन तक का सोर्स पहुँच जाता है, डिप्रेशन तक ले जाती है। क्या है, जब फोटॉन्स हमारी आइज में जाते हैं, हमारे ब्रेन के सेल्स एक्टिवेट होते हैं। अगर आप बॉडी को समझें, इस धरती में कैसे इवॉल्व हुई है बॉडी, जब लाइट होती है हम सतर्क होते हैं, जब लाइट बंद हो जाती है हमें नींद आती है। तो ब्रेन उसी तरह से बना है, जब फोटॉन्स या लाइट आते हैं हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन नहीं बनता, मेलाटोनिन हमें स्लीप का रिस्पॉन्सिबल है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा लाइट कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं उनको रात को नींद नहीं आती। तो लाइट कैसे प्रभावित कर सकती है, डिप्रेशन, इनसोमनिया, एंग्जाइटी, डाइजेशन इश्यूज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन सकती है अगर आपको लाइट नहीं समझ आ रही और लाइट से आप हैंडल नहीं कर पा रहे। अब याद है आपको, पुराने टाइम पे लाइट पे एक स्क्रीन लग जाती थी कंप्यूटर पे उसके रेडिएशंस को कम करने के लिए। आज भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके फ़ोन में ऐप्स हैं जो कि ब्लू रेडिएशन को कम करने के लिए बनी हुई हैं। तो आप चेक कीजिएगा, आईफोन के अलग होगा, एंड्रॉयड की ऐप अलग होगी, ब्लू रेडिएशन कम करने के लिए ऐप होती है। और ये ब्लू रेडिएशन हर एक स्क्रीन में है और ये बहुत तंग करती हैं, स्पेशली ब्रेन और आइज को। रविंदर जी, और जो आपने एक्सरसाइज बताई वो कितनी देर तक करनी चाहिए और कितना टाइम करना चाहिए उसको? जिन लोगों को दिक्कत है, आँखों की काफ़ी प्रॉब्लम है या चश्मा लग गया है, 3 बार दिन में। जिन लोगों को स्क्रीन की आदत है, काफ़ी लंबा करते हैं, वो हर 2 घंटे बाद अगर कर लें तो उनके लिए अच्छा है। एक आम इंसान को जो कि अपना फ़ोन रेगुलरली 2-3 घंटे यूज़ करता है, 1 बार तो कम से कम करनी चाहिए। मगर ये है आँखों की एक्सरसाइज। डाइट में उनको कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें अनाज आ गए, चीनी जिसमें कोई भी शक्कर खांड आ गई, और स्पेशली जो मैं बोलता हूँ ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, पास्ता, पिज़्ज़ा, क्रैकर्स, सीरियल्स, बिस्किट्स आते हैं, ये बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। उनके फूड में कम से कम 200-300 ग्राम सलाद डेली होना चाहिए कच्चा, और उसके ऊपर तेल डाल के खाना चाहिए। और अगर आप, मैंने आपके साथ भी वीडियो बनाई थी एक बार, सार क्राउट, खमीरी हुई पत्ता गोभी, अगर वो खा सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा विटामिन ई और काफ़ी अच्छी और चीज़ें हैं जो आँखों के लिए बेनिफिशियल हैं। किसी को अगर चश्मा लग गया हो और ये एक्सरसाइज फॉलो करे, क्या उसका चश्मा उतर सकता है घर पे ही? देखिए विभोर जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हो सकता है कि नहीं, मैं एग्जाम्पल दूंगा। मैंने 7 साल खुद चश्मा लगाया है, मेरा चश्मा उतर गया था जब मैं, उस वक्त मेरी एज होगी ये 2003-04 की बात है, मेरा 2004 में चश्मा उतर गया था, लगा था मुझे 1997 में, तो मैंने भी 6-7 साल चश्मा लगाया है, तो मेरा चश्मा उतर गया था, तो मैं एग्जाम्पल हूँ। मगर अगर मैं कह दूँ कि प्रॉमिस है हो जाएगा, ये करने वाले के ऊपर भी है, उसकी एज के ऊपर है, उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के ऊपर है, मगर हाँ ये हो सकता है। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम हमेशा अपनी अगली पीढ़ी के लिए जीते हैं। अगर आप किसी से पूछिए पैसे क्यों कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। अगर आप एक छोटी सी बात आज समझ जाएं, आप अगली पीढ़ी का फायदा भी करेंगे, खुद का भी। आप कैसा खाते पीते हैं, कितना खाते पीते हैं और कब खाते पीते हैं मैटर करता है आपको, आपके बच्चों को और आपकी अगली जनरेशन को। तो माओं को मुझे हमेशा, ये जो है ना, जो माँ बनने वाली है उसको हमेशा सजेशन होती है, उनकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी चाहिए। सेम अगर आप बुरा खाते हैं, आपके बच्चों को क्या मैसेज जाता है कि ये खाना नॉर्मल है। तो खाना ठीक कीजिए, सेहत ठीक कीजिए, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। रविंदर सेन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।